Hello and welcome to Life Science Bird Channel students. This is the channel for the students who are preparing for pre-medical entrance and for NEET. So students, today's lecture is Cell the Unit of Life, lecture 3. इससे पहले हम already 2 lectures discuss कर चुके हैं. तो जिन लोगों ने वो lectures नहीं देखे, please go to the channel, subscribe the channel and see all the lectures and prepare that. So in today's lecture we will discuss functions of plasma membrane, different types of transports, modifications of plasma membrane and cytoplasm. So students, shall we start? Functions of plasma membrane. Passive transport kya hota hai? Passive transport jise hum nishkriya parivahan kehte hain, it is a slow process of movement of substances. ये एक ऐसा प्रक्रम है बेटा जिसमें पदार्थों का मूवमेंट होता है, उनकी गति होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर. आफ्टर इक्विलिब्रियम नेट मूवमेंट इज जीरो. देखिए क्या होता है बेटा, जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं को एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जोड़ा जाता है जिसमें उसी प्रकार के मॉलिक्यूल लेकिन बहुत कम होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो मूवमेंट होगा. और वो मूवमेंट कब तक होगा? वो मूवमेंट होगा इक्विलिब्रियम तक. इक्विलिब्रियम मतलब साम्यवस्था तक. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. एग्जांपल क्या है इसके? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, परासरण और विसरण. ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सक्रिय परिवहन की. मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. पदार्थों का मूवमेंट हो रहा है सांद्रता प्रवणता के विपरीत, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स को भेज रहे हो, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट में? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि मॉलिक्यूल्स बहुत कम है. आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, देख रहे हैं आपको, इसको हमने एक दूसरे ऑब्जेक्ट से पाइप के थ्रू जोड़ दिया, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम है. तो यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? बहुत इजीली होगा. तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, इसे हम बोलेंगे पैसिव. ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसे एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है और उससे हम मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, कहाँ? इस डायरेक्शन में. कहाँ से? कम से ज़्यादा की तरफ. तो बेटा क्या हो गया, हमने सांद्रता प्रवणता के विपरीत भेजा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं बेटा एटीपी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ट्रांसपोर्ट कैन बी सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट. अब इसका क्या मतलब है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम सिंपोर्ट कहेंगे, और अगर विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, एंटीपोड. जैसे मैं आपसे कह रही हूँ एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी, ये एक प्रोटीन चैनल है. तो ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, और जो बी वाला मॉलिक्यूल है आपका वो क्या हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मूवमेंट हो गया एंटीपोर्ट. ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम इसे, सिंपोर्ट. ठीक है बेटा, तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब आप ये डायग्राम देखिए, इसमें पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों को दिखाया गया है. आप देख सकते हैं अपने राइट साइड में पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. क्या हम तीनों में बहुत इजीली देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं? देखिए डिफ्यूज़न में लिपिड बायोमॉलिक्यूलर के थ्रू जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, वहाँ पे कोई प्रोटीन चैनल नहीं की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या दिख रहा है आपको, कि प्रोटीन चैनल है वहाँ पर, एक दिख रहा है प्रोटीन चैनल, ये दिख रहा होगा, ये रहा आपका प्रोटीन चैनल. ठीक है, तो ये क्या, और एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मॉलिक्यूल्स को कि वो जो मॉलिक्यूल किसके थ्रू नहीं जा पा रहे, लिपिड बायोमॉलिक्यूल के थ्रू, वो मॉलिक्यूल अब किसके थ्रू जा रहे हैं, इस प्रोटीन चैनल के थ्रू. ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर आप देखिए, ऑस्मोसिस के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं वो फिर से एक प्रोटीन चैनल के थ्रू जा रहे हैं, और ये ऑस्मोसिस वाटर के लिए होता है
और ऐसे प्रोटीन चैनल्स को हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, एटीपी का कंजप्शन हो रहा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जिन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं वो एटीपी की डिमांड करते हैं, तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी खर्च होता है। सो डिफ्यूजन बेटा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और उदासीन मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत आसानी से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाते हैं, तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी या एक्स्ट्रा प्रेशर इनपुट करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है, परफ्यूम की स्मेल और इंसेंस स्टिक स्मेल। आप घर में अगरबत्ती जलाइए बेटा, धूपबत्ती जलाइए, उसकी महक अपने आप पूरे घर में फैल जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है बेटा, जो डिफ्यूजन होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डेंसिटी के, यानी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन की रेट कम होगी। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, कैरियर प्रोटीन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं बेटा जो कि सेल मेम्ब्रेन से इजीली नहीं आ पाते, और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियर या चैनल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि लिवर मेम्ब्रेन और आरबीसी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किन के पदार्थों के, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, आयंस, ग्लूकोज एक्सेट्रा। अब बात कर रहे हैं हम ऑस्मोसिस की। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी, सेमी परमिएबल, यानी कि हम बात करें वाटर के मूवमेंट की, तो वाटर का मूवमेंट क्या डिफ्यूजन नहीं होता, बिल्कुल डिफ्यूजन होता है, बट वाटर के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी डिहाइड्रेटेड सीड को, जैसे एग्जांपल लेते हैं चने के बीज को ले जाके आप मिट्टी के अंदर गाड़िए और उसके ऊपर पानी दीजिए, आफ्टर सम डेज आपको क्या दिखेगा, एक छोटे से प्लांट की ग्रोथ दिखेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, हम सब जानते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए सीड को अपने मेटाबॉलिक रेट में चेंजेस करना पड़ा, और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या असेंशियल है, वाटर, यानी सीड ने क्या किया है, सीड ने वाटर एब्जॉर्ब किया है, और सीड ने वाटर एब्जॉर्ब कौन से प्रोसेस से किया है, ऑस्मोसिस से। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटास को कौन घेरे रहती है, गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं, यानी जब द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो वो फूल जाएगी, स्वेलअप होगी, और फूलने से क्या होगा, ओपनिंग खुल जाएगी, और जैसे ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा कहाँ से, गार्ड सेल्स से, वैसे क्या होगा, वो सिकुड़ जाएंगी और क्लोज हो जाएंगी। मूवमेंट इन लीव्स ऑफ माइमोसा पुडिका, माइमोसा पुडिका क्या है बेटा, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई के पौधे के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल, उसमें कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स जो होते हैं बेटा वो ऑस्मोसिस पर बेस्ड होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट अप टू कॉर्टेक्स, पानी का अवशोषण कहाँ से, मिट्टी से, कौन करता है, रूट्स, रूट्स की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है बेटा रूट हेयर्स, मूल रोम जिसे आप कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोसाइटोसिस, मॉलिक्यूल्स आर टेकन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए मॉलिक्यूल्स को सेल जरूरत पड़ रही है तो ही लेगी अंदर, क्योंकि उसे एटीपी खर्च करनी पड़ेगी ना भाई, अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज हो रही है, किसी बाहर के पार्टिकल को अंदर एनगल्फ कर रही है, अंदर निगल रही है, तो उसके लिए एटीपी खर्च होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे,
तो वो एटीपी कब खर्च करेगी? जब उसको किसी मॉलिक्यूल की जरूरत है तभी तो खर्च करेगी ना, कि ऐसे ही बैठे बैठे खर्च कर देगी। ठीक है, अब ये दो तरह की क्यों होती है? मान लीजिए किसी सॉलिड पार्टिकल को लिया, तो वो सॉलिड पार्टिकल का लेना क्या कहलाएगा? ईटिंग, फैगोसाइटोसिस। और अगर किसी लिक्विड पार्टिकल को लिया, यानी वाटर को, किसी केमिकल को, तो क्या कहलाएगा? ड्रिंकिंग और पिनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस खा लिया पी लिया, आप पचाएंगे, पचाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो वेस्ट होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसे बाहर निकालने के प्रोसेस में क्या होगा? वॉमिटिंग, ईफैगी, एक्सोसाइटोसिस। नाउ सी द डायग्राम स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम हम क्या देख रहे हैं बेटा? आप देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन ने अंदर एनगल्फ कर लिया, और ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? फैगोजोम। ठीक है, इसे हम फैगोजोम कहेंगे। कब कहेंगे फैगोजोम? जब ये फूड होगा। और अगर ये मॉलिक्यूल आपका क्या है? वाटर है, लिक्विड है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे बेटा पिनोजोम। ठीक है, अब खा लिया पी लिया पचा लिया, और अब इसे एक्सपेल आउट कर दिया, तो अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? प्रोसेस दैट यूजेज अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन टू सेपरेट आयन्स, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स एंड लार्जर पार्टिकल्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर इन रिवर्स ऑस्मोसिस। एन अप्लाइड प्रेशर इज यूज टू ओवरकम ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो हमने उसमें क्या देखा था कि जब वाटर को, जब किसी ऑब्जेक्ट को जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, को हम ऐसे ऑब्जेक्ट से जोड़ें जिसमें बहुत कम पानी है, तो पानी जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल है, उनका आपस में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और उस वजह से वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जगह मिल रही है कि हम वहाँ जाकर एडजस्ट हो सकते हैं। तो हम पानी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पानी में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, ऑस्मोसिस में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ऐसा प्रेशर लगाया जाता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ओवरकम कर लेता है, और इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, 0.9% एनएसिल का सॉल्यूशन और 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा, ह्यूमन आरबीसी के लिए आइसोटॉनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम देखिए, इसमें आप देख रहे हैं माइक्रोविलाई, आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा। ये माइक्रोविलाई क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, उंगली के जैसे बने हुए हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा है माइक्रोविलाई? ये हमने पढ़ा है इंटेस्टाइन में, डीसीटी में, नेफ्रॉन की। ठीक है, फिर उसके नीचे आप देखिए बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस बने हुए हैं। इस इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर बहुत सारे जंक्शन है, जैसे कि टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या कर रहा है? दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन को, ये सेल वन है और ये सेल टू है, ठीक है, दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन को अडीज करके रखता है, चिपका के रखता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नीचे ही नीचे दिख रहा है आपको इंटर डिजिटेशन, कैसे है ये उंगली के समान दिख रहा है आपको? ये कैसे हो रहे हैं? आपस में अंतर्वलित हो रही है दोनों मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के अंदर, इंटर डिजिटेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या बढ़ रहा है बेटा? सरफेस एरिया। फिर उसके ऊपर आपको देखो टर्मिनल बार और डेस्मोसोम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो टर्मिनल बार और डेस्मोसोम्स होते हैं बेटा, इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि डेस्मोसोम्स में आपको दिख रहे हैं ये फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं बेटा हम टोनो फाइब्रिल्स। लेकिन टर्मिनल बार ऐसे डेस्मोसोम्स होते हैं जिनमें ये टोनो फाइब्रिल्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन सारे के सारे। ठीक है बेटा, चलिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, इट इज एमॉर्फस ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर, हैविंग शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स, फैट ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा। जो बेटा साइटोप्लाज्म होता है, ये आपका होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है इसकी जो स्टेज होती है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पेसिफिकली लिक्विड लिक्विड है या इसके अंदर सिर्फ सॉलिड सॉलिड चीज़ें हैं। इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फेजेस वाले, डिफरेंट काइंड ऑफ अवस्था वाले इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये विषमांगी होता है, एमॉर्फस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, पारभासक होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे लिक्विड्स आपस में मिले जुले होते हैं,
तो इस वजह से ये पारदर्शी भी नहीं होता और अपारदर्शी भी नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं एसिनाई रिपोर्टेड साइक्लोसिस सोलजेल कन्वर्जन मूवमेंट एंड साइटोप्लाज्म। एसिनाई कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि जब साइटोप्लाज्म में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म से क्या करते हैं, पदार्थों का आवागमन करते हैं, लेंगे देंगे, तो ऐसे में साइक्लोसिस मूवमेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंदर सॉल और जेल दो तरह की अवस्थाओं में आपस में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट। अब साइक्लोसिस जो होता है बेटा, दो तरह का हो सकता है। पहला, आपको याद है हमने प्लांट सेल पढ़ी थी, तो प्लांट सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक प्लांट सेल का 90% एरिया एक बड़ी रिक्तिका कवर करती है, एक लार्ज वैक्यूल 90% एरिया कवर करती है। तो वहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होंगे वो उस वैक्यूल के चारों तरफ होंगे, तो इसीलिए रोटेशनल साइटोप्लाज्म मूवमेंट अराउंड लार्ज वैक्यूल इन यूनिडायरेक्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शन में। अब बात करें सर्कुलेशन की, साइटोप्लाज्म रोटेट्स अराउंड मैनी वैक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक और एक से ज़्यादा भी वैक्यूल्स मिलती है, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जैसे आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरामीशियम का, पता है ना सबको, तो पैरामीशियम में भी ऐसे ही होता है, तो यानी कि उसमें दो वैक्यूल्स होती है, यानी ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होती है, एक से ज़्यादा रिक्तिकाएँ होती है, वहाँ पर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट क्या होगा, दोनों में अलग अलग हो सकता है, किसी में क्लॉकवाइज और किसी में एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए सर्कुलेशनल क्या होगा, साइटोप्लाज्म रोटेट्स अराउंड मैनी वैक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन पैसिव और एक्टिव, डिफ्यूज़न फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस, फिर हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, सो आई होप बेटा आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है ना इसमें, तो आप क्या करें बेटा, नीचे कमेंट कीजिए कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, देन हम उसको बहुत जल्दी आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी टाइम पे आपके नोट्स प्रिपेयर हों। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, अपने लेक्चर्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर कीजिए, अपनी स्टडी हार्डवर्क करते रहिए, उसमें कमी मत छोड़िए, क्योंकि आज का किया हुआ हार्डवर्क, आज एक लेक्चर प्लान कर लेते हैं हम, तो आपको आगे जाकर इसका बर्डन फील नहीं होगा, और हम अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं पालेंगे, क्योंकि हम टाइम टू टाइम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।